अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका सलूशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। इसके दो तीन मेथड्स भी मैं आपको बता दूंगा, सो दैट के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि हम कॉपी पेस्ट से बचना चाहते हैं तो वो कोई भी मेथड को यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह उन कॉपी पेस्ट का इशू नहीं आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट में वो टीचर क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप इसमें ये सीखेंगे कि आप टू डाइमेंशनल अरे को फिल कैसे करते हैं, देन आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं और अरे को ऐसे पैरामीटर कैसे पास करते हैं। देन इसमें हम ये भी देखेंगे कि आप इफ़ स्टेटमेंट और वाइल लूप के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, और लास्ट में हम ये चीज़ देखेंगे कि अरे के एलिमेंट्स को हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट्स के ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इनके अलावा हम कुछ दो तीन एक्स्ट्रा काम भी करेंगे सो दैट कि आपका नॉलेज जोन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले अब हम आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर के व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसके ऊपर सच ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लाइक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आपने बनाने हैं और एक मेन्यू आपने क्रिएट करना है। जैसे आपको सबसे पहले मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगी, प्रेस 1 फॉर डिस्प्ले द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, देन प्रेस 2 टू फाइंड द एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट। अब अगर तो जिन्होंने FSC में मैथ पढ़ा हुआ है या मैट्रिक में जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है और मैट्रिक्स का उन्होंने टॉपिक अगर डीपली स्टडी किया हो तो वो अच्छे तरीके से इसके साथ बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। यानी कि जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं आप इन वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें वो आपका ट्रांसपोज बन जाता है। देन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक होता है कि अगर तो आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दें, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को आप चेंज कर दें और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके आपको साइन को चेंज कर दें तो आपके पास इसका ना एडजॉइंट आ जाता है। देन आगे डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट में आप, ये मैं आपको बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से आप लेते हैं। ये देखें, अगर तो आपके पास ये मैट्रिक है ना ए बी सी एंड डी, ये आपके पास अगर एक मैट्रिक चल रही हो तो इसमें आप इसको कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक, इसको हम कैसे लिखते हैं जी, एडजॉइंट सेम एज इट इज़, लेकिन इसमें यह करते हैं कि जो बी है वो इधर आ जाता है, सॉरी माइनस बी, और इसके साथ आप लगा देते हो माइनस सी, यहाँ पे आप डी लिख देते हो, यहाँ पे आप ए लिख देते हो, ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देन आगे हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक क्या होता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है ना उसको हम ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस मैट्रिक्स से। ये अगर आपके पास मैट्रिक है इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, और अगर आपने ये वाली मैट्रिक्स का भी करना है तो दोनों का सेम आएगा, दोनों में कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखें दिस वन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो सी है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी डी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस माइनस बी इंटू माइनस सी, जब आप इसको हल करोगे तो ये डेफिनेटली आपके पास ए डी माइनस बी सी बन जाएगी। ठीक है, मीन टू से दैट के क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, इट मीन्स कि अगर आपने डिटर्मिनेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर लिया है या आपने एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर लिया है, दोनों से आपका एंड रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं जी आगे। आगे इसमें क्या कह रहे हैं जी, उन्होंने आपको ये सैम्पल आउटपुट बताई है कि आपने इसकी सैम्पल आउटपुट कैसे लेनी है, और उससे पहले उन्होंने आपको ये कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बताए हुए हैं कि आपने ये वाले फंक्शंस को यूज़ करना है, शो मैट्रिक्स जो आपको मैट्रिक्स को डिस्प्ले करके बता देगी, शो ट्रांसपोज ये आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज शो करेगी, शो एडजॉइंट ये आपकी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को डिस्प्ले करेगी,
देन फाइंड डिटर्मिनेंट या कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, ये आपके मैट्रिक्स का कैलकुलेट डिटर्मिनेंट करके आपको बताएगी। लेकिन इन चार फंक्शंस के अलावा हम मज़ीद और भी फंक्शंस कुछ बनाएंगे खुद से, जिसमें आ जाएगा कि आपके लिए ना काफ़ी ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी। जैसे फिल मैट्रिक्स का हम कोई बना लेंगे, रैंडमली हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, रैंडमली हम इसमें से डाटा बाहर आपको फिल करके बता देंगे कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। देन हम एक डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स द प्रैक्टिस। अब हम यहाँ पे CS201 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन राइट करेंगे। आप इसको साथ साथ मेरे करते जाएं तो आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। यूजिंग नेम स्पेस STD, जैसे कि आप इसके साथ फेमिलियर हैं कि हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस STD से स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे वो वाले फंक्शंस राइट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो आपको असाइनमेंट में फंक्शंस गिवन है। सबसे पहले तो हम वो वाले फंक्शंस देखते हैं ना कौन से हैं। शो मैट्रिक्स, अब यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स चाहिए 2x2 की, ये है जी, ये मैंने 2x2 की मैट्रिक्स जोन सी है, ये मैंने फंक्शन इसका ये वाला राइट कर लिया जी। अब इसके बाद आगे मुझे चाहिए जी शो मैट्रिक्स के बाद शो ट्रांसपोज, ये शो ट्रांसपोज का मुझे फंक्शन चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए जी शो एडजॉइंट का फंक्शन चाहिए। शो एडजॉइंट के बाद मुझे चाहिए कैलकुलेट डिटर्मिनेंट का। ये वो चार फंक्शंस हैं जो कि आपको असाइनमेंट में गिवन है, लेकिन इनके अलावा मुझे एक्स्ट्रा फंक्शन भी चाहिए। एक मुझे चाहिए डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन, एक मुझे चाहिए फिल मैट्रिक्स का जो कि ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अब मुझे इसमें, मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, इंटीजर कांस्ट रो इक्वल्स टू 2, इंटीजर कांस्ट कॉलम इक्वल्स टू 2, राइट। अब हम इधर सबसे पहले ना फंक्शंस जो उनसे हैं अपने वो हम बनाते जाएंगे कि हमें फंक्शंस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले मैं मेन्यू का बनाऊँगा फंक्शन, क्लियर। मेन्यू के बाद फिर मैं इसको अरे को फिल करूँगा, अरे को फिल करने के बाद मैं फिर आगे सारा वन बाय वन सारे फंक्शन हम बनाते जाएंगे और इनको हम फिर गो थ्रू इजीली करते जाएंगे। इधर मैं लिख लूँ साथ साथ डिस्प्ले मेन्यू, फंक्शंस के नाम बेशक अपनी मर्ज़ी के भी रख लें तो वो भी चल जाएंगे। अब क्योंकि मैंने उसमें इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर दी है तो इट मींस कि मुझे इसमें एक इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा जो एंड पे जाके रिटर्न किसी ना किसी चीज़ को करेगा। अब क्योंकि ये मैसेज सारे के सारे आपको इधर असाइनमेंट में गिवन है, इसलिए मैं इन्हीं मैसेजेस को उठाऊंगा और इनको उधर मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे ये प्रेस 1 टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स ट्रांसपोज दिस वन आ गया। देन उसके बाद है जी असाइन जो ऑप्शन 2 है, आप इसको उठाएं दिस वन, प्रेस 2 वाली ऑप्शन को, प्रेस 2 में आ गए जी, या बेशक 2 टाइम्स बैक स्लैश एन दे दें, देन जो थर्ड वन ऑप्शन है प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट, ये इसको मैंने इधर पेस्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब सी इन लगा लूँगा ऑप्शन, ये मुझे इधर से रिटर्न ऑप्शन कर देगा, यानी कि जो भी चीज़ ये रिटर्न करेगा ये डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन अपने पास इसको होल्ड कर लेगा। अब इसके बाद हम सबसे पहले अब अरे को फिल करते हैं। अरे फिल करेंगे हम इसको, यानी कि अरे में, अब ये जो है इसको फिल करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप यूजर से फिल करवा लें बाय यूजिंग सीन, यानी कि एंटर आप उसे कहेंगे 00 पे वैल्यू इंसर्ट करो, फिर 01 यानी कि जो भी उसके इंडेक्सेस हैं उनमें आप सीन करवा लें, या यहाँ पे हम इसे रैंडमली काम करवा लेते हैं। रैंडमली मीन्स कि आप इसमें रैंडम के फंक्शन के साथ ऑटोमेटिकली ये इसको फिल करवा लें। अब आप इसको हम फिल करवाने के लिए दो मेथड्स हैं, फॉर का लूप यूज़ कर लें, वाइल का कर लें,
अगर आपने फाइल में आप फैमिलियर हैं, आप सबसे पहले फार में काम करने के बाद उसको वाइल में कन्वर्ट कर लें, और अगर आपको वाइल का लूप अच्छा था आप उसमें काम करें। लेकिन क्योंकि आपकी असाइनमेंट में ये गिवन है कि आपने वाइल का लूप यूज़ करना है, सो वी ऑल्सो गो विद वाइल लूप एंड आई इक्वल्स टू ज़ीरो वाइल आई लेस देन रो दिस वन। अब इसके अंदर मुझे दोबारा राइट करना पड़ेगा जे वाइल जे लेस देन कॉलम देन मैट्रिक्स आई जे इज इक्वल टू ये जो सा है जी रैंडम का फंक्शन दिस वन, ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। अब इसमें कुछ इश्यूज आएंगे वो हम फिर लास्ट में जाकर मैं आपको इसको सलूशन करवा दूंगा। अब ये जो रैंड का फंक्शन है इसके रिटर्न टाइप सॉरी इसकी जो हेडर फाइल है ना वो होती है सी टाइम इंक्लूड सी टाइम, ये मुझे इंक्लूड करके देनी पड़ेगी इसको। अब फिल मैट्रिक्स के बाद अब हम आते हैं आगे जो फंक्शंस हैं जी शो मैट्रिक्स के फंक्शन के ऊपर अब हम काम करते हैं जी। अब सबसे पहले अब हम ना इस मैट्रिक्स को भी शो करवाते हैं जी, ये आप इधर लिख दें जी इसके साथ ऑटो फिल मैट्रिक्स रैंडमली मैट्रिक्स शो मैट्रिक्स के ऊपर अब हम काम करेंगे। शो मैट्रिक्स इसके लिए भी मुझे सेम यही लूप चाहिए जी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा टू सेव टाइम अपना भी और आपका भी। शो मैट्रिक्स करवाने के लिए मैंने सिर्फ दिस वन लिखना शो मैट्रिक्स दिस वन एंड राइट, यानी कि मैंने इस कोड के ज़रिए इस मैट्रिक्स को भी डिस्प्ले करवा लिया। अब शो मैट्रिक्स के बाद मुझे आगे नेक्स्ट फंक्शन चाहिए शो ट्रांसपोज। शो मैट्रिक्स एंड शो ट्रांसपोज बोथ फंक्शंस आर सेम, जैसे एक माइनर सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। शो ट्रांसपोज दिस वन, जब आप शो ट्रांसपोज में आते हैं शो ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था ये देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप ट्रांसपोज लिखते हैं तो ट्रांसपोज में आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। डैट इज़ ये देखें जी, ये अगर आपके पास ये ओरिजिनल रे है ना ये बन जाएगा ए बी ऐसे और सी और डी ये आपका ऐसे बन जाएगा ठीक है। ट्रांसपोज यानी कि रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज। अब इसमें क्योंकि मैंने आप हमारे पास ये रो थी आई, इसको मैं इधर जे कर दूंगा और जे को मैं सिंपली आई के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली ना ये ट्रांसपोज को डिस्प्ले करके मुझे बता देगा। ठीक हो गया जी, अब ट्रांसपोज को डिस्प्ले करने के बाद अब हम आते हैं जी आगे शो एडजॉइंट के ऊपर। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम अपने सारे फंक्शंस प्रिपेयर कर लें देन फिर हम इसमें हम काम करेंगे। शो एडजॉइंट, अब शो एडजॉइंट में हमने इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, कुछ भी नहीं करना, और इसमें वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने से मुराद ये है कि डायगनली एलिमेंट्स को हम चेंज कर देंगे, जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम मैट्रिक्स ज़ीरो कामा ज़ीरो, इसको मैं मैट्रिक्स वन वन देन ये मैं मैट्रिक्स ज़ीरो वन
इसके साथ नेगेटिव लगा देते हैं, 10 के साथ भी। ये वाली वैल्यूज आप इनके साथ नेगेटिव लगा देते हैं, और जो फर्स्ट 0.0 पोजीशन एंड 1.1 पे पड़ी होती है उनको आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू जो 0.0 पे पड़ी है ये तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इट मींस कि मैंने इस वैल्यू को किसी टेम्प के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, सो दैट कि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा टेम्प, तो जो 0.0 की वैल्यू वो मैं इधर इसको अपने पास सेव कर लूँगा। अब ये जोन से ये एडजेंट भी मैंने इसको ऑटोमेटिकली चेंज तो कर दिया, इसको मैं फिर बाद में अब अपनी सहूलत के लिए मैं इजीली देखने के लिए मेरे पास फंक्शन बना पड़ा हुआ है शो मैट्रिक्स, इसके अंदर मैं मैट्रिक्स को पास कर दूँगा और ये मुझे ऑटोमेटिकली आफ्टर चेंजिंग या एडजॉइन जो भी होंगे ना, ये एडजॉइन के बाद इस मैट्रिक को मुझे डिस्प्ले करके बता देगा। अभी हमने ये शो एडजॉइन का फंक्शन भी कर लिया, अब हमारे पास रह गया सिंपल वन फंक्शन, डिटरमिनेंट फंक्शन मैंने कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट फंक्शन, ठीक है। शो डिटर्मिनेंट इंटीजर मैट्रिक्स टू, टू के साथ मैंने काम करना है। अब मैंने आपको क्योंकि डिटर्मिनेंट का बताया हुआ है कि इसमें ये देखें जी, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, दैट इज़ जो वैल्यू 0.0 पोजीशन पे पड़ी है, ए वैल्यू 0.0 पोजीशन पे पड़ी है, बी वैल्यू 0.1 पे पड़ी है, सी वैल्यू 1.0 पे पड़ी है, डी वैल्यू 1.1 पे पड़ी है। बेशक आप इसका साथ साथ पेपर वर्क करते जाएंगे ना तो आपको मेरी बातों की समझ भी आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअली। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डी ई टी के नाम का वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे अब हम स्टोर कर देंगे डी ई टी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 0 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 1 1, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव के साथ, मैट्रिक्स 1.0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 0 बल्कि इसको आप ऐसे कर लें 1.0, और जो पहले लिखी है उसको आप 0.1 कर लें ताकि प्रॉपर आपके पास ना लूप लग जाए। इसके साथ आ गया जी, चलें ऐसे भी ठीक है, ठीक है इसके भी। अब उसके बाद हम रिटर्न डिटर्मिनेंट करवा लेते हैं इजीली अपनी सहूलत की। अब इसने ये डिटर्मिनेंट भी हमें रिटर्न कर दिया। अब ये सारे फंक्शन जो ये तो हमने राइट कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में जहाँ पे अब हमने इन सब को ऑटोमेटिकली कॉल करना है। मेन के फंक्शन में जाकर हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम डिस्प्ले के मेन्यू को कॉल करेंगे, दिस वन। अगर आप इसको देखें तो ये हमें कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर लें लाजमी, दैट इज़ कि हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट के नाम का एक फोल्ड वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जो हमारे पास डिस्प्ले मेन्यू से जो भी रिज़ल्ट आएगा ना ये इसको अपने पास होल्ड कर लेगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ ऑप्शन सेलेक्ट डबल इक्वल्स टू 1, अगर आपने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किए तो इसमें आपको एक तो वो शो मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल कर दे, दूसरा शो ट्रांसपोज का फंक्शन आपने कॉल करना है। यानी अब हम भी प्रॉपर मैसेज काम कर लेंगे, मैट्रिक्स इज / n एंड शो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ये शो कर देगा।
अब उसमें वो कह रहे हैं कि आपने दो काम करने हैं, एक तो आपको मैट्रिक्स शो कर दे और दूसरा आपको बता दे ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज, शो ट्रांसपोज, शो ट्रांसपोज, ये आपने ऑप्शन वन के साथ ये वाला काम कर लिया। अब सिमिलरली अब हम आते हैं ऑप्शन टू के साथ, ऑप्शन टू जब आप प्रेस करें तब क्या हो जी, एल्स इफ डबल इक्वल्स टू टू हो, अगर तो अब आपने ऑप्शन टू सेलेक्ट किए तो इसमें आपको एक तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाए और दूसरा आपने उसका कैलकुलेट डिटर्मिनेंट करना है। यहाँ पे अब हम ये काम करेंगे, जब आपने उसके एडजॉइंट्स को देखना है तो एडजॉइंट्स देखने के लिए हम सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाएंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि हम ये देखेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों में कुछ फ़र्क तो नहीं है, यानी कि दोनों ने उसने काम बिल्कुल ठीक किया है। जस्ट फॉर प्रैक्टिकल सी आउट, ये हमने लिख लिया कि जी मैट्रिक्स इज दिस वन एंड एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज, अब यहाँ पे हम शो एडजॉइंट मैट्रिक्स कर लेंगे। इसने अब हमें ये इधर एक तो एडजॉइंट्स भी डिस्प्ले कर दिए, दूसरा हमने इधर ये काम भी करवा लेना है कि डिटर्मिनेंट भी हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, अब क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो कैलकुलेट डिटर्मिनेंट करेगा और कोई ना कोई ये वैल्यू थ्रो करेगा, या तो आप उसको किसी इंटीजर में स्टोर कर लें या आप उसको डायरेक्ट इधर डिस्प्ले कर दें सी आउट डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया जी कि मुझे इधर ये डिटर्मिनेंट डिस्प्ले कर दे दिस वन। ये हमारी असाइनमेंट ऑलमोस्ट जो सी है रेडी होगी, अब उसके ऊपर हम कुछ देखेंगे, अगर एरर आते हैं इनको हम रिमूव करेंगे, तब हम इसकी आउटपुट के ऊपर जाएंगे। एल्स अगर आपने कोई भी ऑप्शन थर्ड सेलेक्ट कर दी है, यहाँ पे आप जस्ट सिंपली मैसेज प्रिंट करवा दें एग्जिट प्रोग्राम दिस वन बैक स्लैश एंड के साथ। ठीक है, रिटर्न जीरो के ऊपर आप सिस्टम पॉज लिख दें दिस वन। ये हमारी असाइनमेंट ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें जस्ट एक एरर आएगा वो हम देखते हैं कि इधर आता है या अभी नहीं आता, अगर आता है तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, मैट्रिक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने लिखा तो है लेकिन हमने ऊपर अभी मैट्रिक्स डिक्लेयर ही नहीं की, दैट इज इंटीजर मैट्रिक्स रो कॉलम, ये मैंने अब टू बाई टू की मैट्रिक्स जो सी है ना ये मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दी। रीरन करते हैं, अभी कोई एरर आया, अब इसने इधर मुझे दोबारा से ये दे दिया जी इंटीजर असाइनमेंट शो मैट्रिक्स वाज नॉट इन दिस स्कोप, ये भी मैंने लगे ऊपर जो मैंने फंक्शन लिखा ना उसके स्पेल में डिफ्रेंसीशन आ गई थी। राइट, अब इस तरह के एरर्स आपको आएंगे, या आप वो एरर्स देखते साथ साथ इनको भी ज़रा देख लिया करें। अब ये क्या जी एरर, नो मैच फॉर ऑपरेटर दिस वन शो ट्रांसपोज जी। अब हम इसकी सबसे पहले आउटपुट रन करके देखते हैं कि इसकी हमें आउटपुट क्या मिलती है। ये मैंने इसको जैसे ही रन किया, मैं प्रेस करता हूँ वन, इसने मुझे बता दिया कि मैट्रिक इज़ 0 0 0 0 और ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक इज़ 0 0 0 0। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि जो उसने ये मुझे टू भी प्रेस करके देख लें, इसमें भी मुझे 0 0 0 0 डिस्प्ले करके दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो तो हमने एक फंक्शन बनाया था फिल मैट्रिक्स के नाम का, यानी कि मैंने अपनी मैट्रिक्स को फिल ही नहीं किया था। अब सबसे पहले मैं अपनी मैट्रिक्स को फिल करूँगा बाय यूजिंग या बाय कॉलिंग दिस फंक्शन। ये मैंने इस मैट्रिक्स को जैसे ही फिल कर लिया, उसके बाद ये फिर अब मैं इसको
कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखते हैं कि अब ये मुझे क्या चीज़ डिस्प्ले करके बताता है। जैसे ही मैंने 1 लिखा, इसने मुझे 1417401470 इसने मुझे ट्रांसपोज भी दिखा दिया और मैट्रिक्स भी इसने मुझे ये डिस्प्ले करके बता दी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मैं इसको ज़रा रीरन करता हूँ। मैंने इसको जैसे ही रीरन किया, 1 प्रेस करूँगा, मुझे सेम स्टिल वही इसने मुझे मैट्रिक्स डिस्प्ले करके बताई जो ऑलरेडी पहले थी। लेकिन रैंडम का मतलब है कि वैल्यूज़ चेंज हो, लेकिन जब हम इस रैंडम फंक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हमने जो वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू जो बफर में पड़ी होती हैं उनको फ्लैश करने के लिए एस रैंड का फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो उसके बाद हम इसको रन करेंगे, तो फिर देखिए क्या अब जो प्रीवियस वैल्यू थी ना वो ओवरराइट हो गई होंगी। मींस के वो हर दफ़ा नई मैट्रिक्स मुझे दिखाएगा 5, 9 एंड 5, 8। जब मैंने इसका ट्रांसपोज देखा तो उसने मुझे 5, 9 रोज़ आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड 5, 8 रोज़ इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉलम। अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ जी। अब मैं देखता हूँ कि मैंने मैट्रिक्स के एडजॉइंट्स और इसका डिटर्मिनेंट देखना है। 2 प्रेस किया, इसने मुझे दिखा दिया कि जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 7, 8, 1, 5 है। दैट इज़ इसके जो एडजॉइंट बन गए उसने 7 और 5 को रिप्लेस कर दिया, 8 और 1 के साथ उसने साइन उसका चेंज कर दिया। देन डिटर्मिनेंट उसने मुझे कैलकुलेट कर दिया 7 × 5 = 35 - 8 विच इज़ ऑल इज़ इक्वल टू 27। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बिल्कुल 100% रनिंग पोजीशन में आ गया हुआ है। और अगर जब आप ये एस रैंड का फंक्शन लिखते हैं, आपको एक हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करवानी पड़ती है, दैट इज़ CST lib and CTime। इन दोनों का जो रिलेशन है ये रैंडम के फंक्शन के साथ है। ये इसका कोड आपके सामने है, ये आप देख लें। सारा कोड मैंने आपको हाथों से राइट करके भी दिखा दिया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे मैसेज कर दे, हमारे चैनल पे मैसेज कर दे, मेल कर दे, उसको ये वाली फाइल जो उनसी है ना वो हम उसको ईमेल कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली असाइनमेंट फ़र्स्ट टाइम किसी ने लाइव सेशन देकर आपको खुद से राइट करवाई होगी। अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है वो हमसे क्यूरी करे, वी विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट्स इशू। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल यू रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह।